गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तानाटार थाना इलाके के लटोरी गांव के सुंगिया पहाड़ी में साइबर अपराध कर रहे 3 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में तानाटार थाना क्षेत्र के बड़ोटांड निवासी अर्जुन कुमार मंडल, धनबाद के मनियाडी निवासी राजेश कुमार मंडल और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी सुभाष मंडल शामिल हैं। इन तीनों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद किए हैं। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तानाटार के सुंगिया पहाड़ी में कुछ युवक साइबर अपराध कर रहे हैं, जिसके बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम ने पहाड़ी पर छापेमारी कर तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि ये सभी साइबर अपराधी एसबीआई की फर्जी लिंक बनाकर ठगी करते थे और इनकी गिरफ्तारी प्रतिबिंब ऐप के जरिए की गई है। बताया गया कि जब पुलिस की टीम पहाड़ी पर छापेमारी करने पहुंची तो सभी साइबर अपराधी दौड़कर भागने लगे, जिसके बाद करीब 4 किलोमीटर दौड़कर पुलिस की टीम ने तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टीम में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुअनी सरोज कुमार मंडल, पुअनी शुभल दे, सनी संजय मुखियार, साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, वासुदेव सिंह आदि शामिल थे। उल्लेखनीय है कि विगत 3 माह में गिरिडीह जिला अंतर्गत कुल 64 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार साइबर आरोपियों के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ताराटांड क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी ठगी का काम कर रहे हैं। इसी बीच डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस स्थान पर छापामारी की गई और छापामारी के दौरान 3 साइबर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से कुल 9 मोबाइल फ़ोन और 18 सिम बरामद किए गए हैं। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये एसबीआई का फर्जी वेबसाइट बनाकर और लोगों को उसका लिंक भेजकर उसके माध्यम से ठगी करते थे। डीएसपी साइबर ने काफ़ी मेहनत से और इन अभियुक्तों को जिस जगह पर साइबर क्राइम कर रहे थे उसको दौड़ा कर पकड़ा है। ये लोगों ने भागने की काफ़ी कोशिश की परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए, अंततः पकड़े गए। और ये लोगों ने जो इनके पास जो मोबाइल है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं उसमें अभी तक काफ़ी लोगों से इनके द्वारा ठगी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। और गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो है लगातार छापामारी जारी रही है।